गुड आफ्टरनून एट क्लास। बच्चे हमने ये 8 चैप्टर का 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करते हैं 3 क्वेश्चन। अधोलिखितनामा शब्दनामा सववाक्यम प्रयुज्यत है, अर्थात निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। वैसे बच्चे मैंने आपको दिया था कि आप खुद करना है। चलो मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, दताती का, उद्मेन का, मिर्गा का, मूर्खा नाम, कार्यानी, ठीक है। दताती देती है, इसका अर्थ होता है, इसका बनाया मैंने धेनु मधुरम दुग्धम दताती, जो गायें हैं वो मीठा दूध देती है। उद्मेन प्रयास से ही, इसका अर्थ होता है, तो मैंने उद्मेन का बनाया है उद्मेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, प्रयास से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मिर्गा बहुत सारे हिरण, यहाँ पर बच्चे ये बहुवचन है, एक होता है एक वचन होता है बच्चे मिर्ग है, द्विवचन होता है मिर्गो, बहुवचन होता है मिर्गा, अर्थात बहुवचन। मिर्गा चरंती, बहुत सारे हिरण चरते हैं, इसको और भी कुछ बन सकता था बच्चे, जैसे कि यहाँ पर मैं कर सकती थी मिर्गा अरण्यम चरंती, बहुत सारे हिरण जंगल में चरते हैं। आगे मूर्खा नाम, मूर्ख, मूर्ख बनाया है मूर्खा नाम, काले निद्रा कलेन वा गच्छती, बच्चे इसकी हिंदी होगी मूर्खों का समय, काल होता है समय, निद्रिया मतलब नींद में, कलहें झगड़े, या निद्रा सोने में या झगड़े में जाता है। एक बार और बताती हूँ बच्चे, मूर्खों का समय सोने में या झगड़े में जाता है। अगला है कार्यानी, बच्चे मैंने कार्यानी का बनाया है, कार्यानी परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। बच्चे आप इससे अलग भी बना सकते हो, जैसे आप हिंदी में बनाते हो संस्कृत में भी इसी तरीके से आप बना सकते हो। अब बच्चे हम आते हैं 4 क्वेश्चन पे। अधोलिखितनामा वाक्यनामा संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरते, कि जो निम्नलिखित वाक्य है ये वाले, इनको संस्कृत बनानी है बच्चे, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे कि मूर्ख को धन कहाँ से प्राप्त हो, तो बच्चे इसकी संस्कृत बनाई है अविधस्य कुतो धनम, मूर्ख को धन कहाँ से प्राप्त हो। नेक्स्ट है मित्रहीन को सुख कहाँ से प्राप्त हो, तो इसका है अमित्रस्य कुतः सुखम। अगला है सुंदरता मनुष्य के शरीर का आभूषण है, तो बच्चे ये श्लोक है के अकॉर्डिंग बने हुए हैं ये, नरस्य भरणम रूपम। नेक्स्ट है सभी गुणों और सुखों को कौन पा सकता है, तो कौन का सर्व सभी गुणानि सुखानि च प्राप्नोति। अगला है क्षमा मनुष्य का सबसे महान आभूषण है, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। अब बच्चे 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखितनामा वाक्यनामा हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरते, अब बच्चे इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको, विद्या दताति विनयम, कि विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है, इस तरीके से। अगला है आलस्य कुतो विद्या,
आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से आए। नेक्स्ट है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, प्रयास करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। प्रयास इस तरीके से लिखना है बच्चे आपको। नेक्स्ट है, ज्ञानस्य भरणम क्षमा, क्षमा ज्ञान का आभूषण है। आगे है, निद्रया कलहेन वा, सोने में या वा को हम या भी बोल सकते हैं या अथवा कह सकते हैं, सोने में या झगड़े में, कलहेन का झगड़े में बीतता है। अब बच्चे हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं और संस्कृत में ही देने हैं। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कैसे कार्य सिद्ध होते हैं? तो बच्चे प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर है, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला है, विद्या किम दताति, विद्या क्या देती है? विनयम। तो विद्या विनयम दताति, विद्या विनम्रता देती है। अगला है, मूर्खा नाम कालय कथम गच्छति, जो मूर्खों का समय है वो कैसे जाता है? तो बच्चे उनका तो झगड़े में और सोने में जाता है, यही हमें पर संस्कृत में लिखना है। मूर्खा नाम कालय निद्रया कलेन वा गच्छति। अगला है, ज्ञानम कस्से आभरणम अस्ति, ज्ञान कैसा आभूषण है? क्षमा का। ज्ञानम क्षमा आभरणम अस्ति। नेक्स्ट है, गुणस्य भरणम किम अस्ति, गुण का आभूषण क्या है? तो गुण का आभूषण बच्चे ज्ञान है। गुणस्य भरणम किम की जगह आ जाएगा ज्ञानम, और क्वेश्चन में आ जाएगा अस्ति, इस तरीके से। बच्चे ये वाला क्वेश्चन तो आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में ही करना है, क्वेश्चन बुक में से उतारोगे और आंसर यहाँ से करोगे आप, और जो 4 क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही करना है। वन और टू क्वेश्चन ये भी बुक में करोगे, और बच्चे जो वाक्य हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। 1-3 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है, और जो आपका 5 क्वेश्चन है ये आपको अपनी बुक में करना है। सिर्फ बच्चे 3 और 6 क्वेश्चन है जो प्रश्न उत्तर है उसमें, ये आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करने हैं। 1, 2, 4, 5 ये बुक में करोगे आप। और इसके बच्चे शब्दार्थ मैं आपको कह चुकी थी, ये शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं 8 के। थैंक यू।